हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू एवरी वन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम मिल रहे हैं, बज रहे हैं रात के 9 और हम करेंगे शिक्षण अधिगम पवन सीरीज से, जो कि नई सीरीज़ है। क्वेश्चन मुझे भेजे गए हैं आप लोग के थ्रू और मैं यहाँ पर करवाऊँगी। अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैंने वैसे भी इसकी स्टार्टिंग कल ही कर दी थी, आपकी क्लास हुई थी। आपको हर एक चीज़ को समझना है, जानना है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने DELED 2022 बैच के आप प्रशिक्षु हैं और आप लोग की 3 क्लास का शेड्यूल मैंने कर दिया है। 3 क्लास, पता है? पहली क्लास आपकी 12 PM पर होगी, टाइम नोट कर लीजिए, 12 बजे। दूसरी क्लास आपकी 4 PM पर होगी, ताकि छोटी सी क्लास रहे, देखिए फिर अपने काम पर रहिए, अपना रिविज़न करिए। और जो भी कुछ है, जो बच्चे टीचिंग पे हैं 12 बजे वाली क्लास पे, वो आने के बाद ज़रूर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास मैं आपको और लेकर आ रही हूँ रात के 9 बजे, क्योंकि एक न्यूज़ जारी हुई है, जो कि मैंने टेलीग्राम पर जैसे मुझे पता चला मैंने आपको शेयर भी किया, कि 26 मार्च से लेकर अप्रैल के पहले वीक तक रिज़ल्ट जारी हो जाएगा किसी भी कीमत पर। जैसे उनका रिज़ल्ट जारी होगा, उसी पर दौरान आप लोगों के पेपर की शेड्यूल भी डेट जारी होगी। तो ये मान के चले कि 15 अप्रैल, 15 अप्रैल या तो अप्रैल लास्ट, ठीक है? अगर 1 अप्रैल को डेट जारी होगी तो 27-28 अप्रैल या 20 अप्रैल, 15 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा, या और पहले जारी होती है तो 15 अप्रैल। तो मान के चलिए कि आपके पास 20 दिन लगभग होंगे एक बार रिजल्ट आ जाए। डेट है, अपडेट है, डाटा फीड होना शुरू हो गया है। और एक बात ये भी बड़ा दिक्कत सुनने में आ रहा है कि मैथ में इस बार बैक फिर लगी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मैथ में फिर बैक लगी है बच्चों की, ऐसा सुनने में है। अब देखते हैं हकीकत में कितना है। जो भी होगा, फिलहाल के लिए आप लोग फ्रेंड्स अवगत रहिए, आप लोग हर एक बात को जानते रहिए। मैथ डेली लगाइए, 2 से 4 घंटे मैथ लगाइए। बाकी सब्जेक्ट जितने भी हैं, मैंने कहा है उनको ना नोट्स लिखनी है ना कुछ करना है, सिर्फ पढ़ना शुरू करिए, रिविज़न करना फटाफट शुरू करिए। जो बच्चे नोट्स बना कर रखे, वो अपनी नोट्स को पूरा एकदम, कहते हैं ना, चार्ट के बहा दें, इस तरीके से उन लोग ख़त्म कर लीजिए। और जो बच्चे बुक लिए हैं, हाईलाइट किए होंगे उसमें से हेडिंग्स वगैरह को, तो वो पीछे के क्वेश्चन दिए हैं, वो काफ़ी कुछ आपको तैयारी करना शुरू करना। मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताती रहती हूँ क्लास में, क्लास को देखिए सुनिए, इसलिए मैंने 3 क्लास भी कर दी कि कुछ भी सेक्शन हमारा छूटा है फटाफट सीरीज़ कवर करना शुरू करेंगे। मैराथन क्लासेस वगैरह जब डेट रिलीज होगी तब करेंगे। तो ये शेड्यूल है मेरा कि ताकि हो जाए हर एक चीज़। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की इस क्लास की। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी। देखिए बोलते बोलते मैं अटक गई, मैं हूँ शालिनी, आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ये PDF फोल्ड क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और आप ऐसे भी टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें शालिनी क्लासेस, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तिरंगे कलर का लोगो SC करके लिखा हुआ है, वहाँ पर भी 6000 सब्सक्राइबर हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से खोज पाएंगे। चलिए देखते हैं। और अगर आपको सभी विषय के नोट्स चाहिए, आपको जेन्युइन है कि लेना है, आपके पास नहीं लिखा है, कोई बुक नहीं है, तो फटाफट जाइए रास्ता से टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करिए, नोट्स को लीजिए, उनसे नोट्स मिल जाएगी और फटाफट पढ़ना शुरू करिए, काम आपका हो जाएगा, बस मैथ लगा लीजिए। चलिए देखते हैं। ये है पवन सीरीज, ये है शिक्षण अधिगम का पेपर, जो कि आपका दूसरा पेपर है। 50 नंबर का पेपर, 40 क्वेश्चन, 25 नंबर पासिंग, अच्छा पेपर है। और 15 आपके बहुविकल्प भी आएंगे। ये सब मैंने पढ़ा दिया था, जी हाँ, ये सारे के सारे मैंने आपसे कवर करवा दिए थे, ऑलमोस्ट डन 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 डन। 25 तक मैंने करवाया था, लास्ट क्लास में हमने 25 प्रश्न किए थे और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप सो क्लास इंटरेस्टिंग होगी, एकदम काम डाउन होकर आपको सुनना है। चलिए, यह है आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न, जो कि 26 से स्टार्टिंग होगी। पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए, जो पाठ की विषय सामग्री होती है उसका जो डिवाइडेशन है, वो इस बेसिस पर इस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदुओं में प्रयोग किए जाते हों, मतलब वो आसान हो, उनके विचार ईजी हों, प्रारंभिक बिंदु उनका आसान हो, जो कठिन हो उनको क्रमशः छात्रों के सामने ना लाया जाए। उपरोक्त जो कथन है वो सूत्र से संबंधित है, किस सूत्र से रिलेटेड? शिक्षण में जो सूत्र दिए गए, शिक्षण अधिगम में जो सूत्र दिए गए, उनसे प्रश्न बनते हैं काफ़ी मात्रा में। ये सूत्र देखिए बहुविकल्पी प्रश्न बनना, जो कि आपको आंसर बताना होगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। पढ़िए प्रश्न, उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, सरल से कठिन की ओर, और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। क्या बता सकते हैं कि राइट आंसर इसका क्या होगा? जो बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है उसके लिए उक्त और बेस्ट जो है वो सरल से जटिल, सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 27 पे। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से, आगमन विधि और निगमन विधि, जो कि आगे के सेमेस्टर्स में CTET के पेपर में इससे प्रश्न ज़्यादा बनता है, वो कौन सी विधि है? आगमन और निगमन दो विधि होती है। तो पहला ऑप्शन है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है?
बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, लेकिन आपको बताना होगा कि राइट आंसर क्या होगा। आगमन विधि और निगमन विधि दो विधि होती है। आगमन विधि किसे कहते हैं? आप लोगों को कुछ याद है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ भी दिमाग में आ रहा है इस विधि से? चलिए मैं फिलहाल के लिए आपका आंसर बता देती हूँ। जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर है, जो उचित आंसर आपको यहाँ पर है ना, कभी कंफ्यूजिंग कभी कभी हमको कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो उचित है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर है। ठीक है, ये एक आपका अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हैं। और ये आगमन विधि क्या होती है ये बता देते हैं। जब एक शिक्षक, ठीक है, कोई क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, जैसे ज्योग्राफी का कोई सेक्शन बता रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी को बताने के लिए साथ में ग्लोब भी लाया है। क्या लाया है? ग्लोब भी लाया है। फिर ग्लोब को सारी चीज़ें दिखाते हुए बता रहा है, तो वो क्या है आपको पता है? वो आगमन विधि होता है। आगमन विधि वह होती है जिसमें पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, फिर उसके रूल बताए जाते हैं। ध्यान से लिख लो रफ में, बगल में, सीरीज में। आगमन विधि वो होती है जिसमें पहले टीचर एक उदाहरण देकर बताता है कि बेटा इसका उदाहरण ये है, फिर उसके रूल बताता है। निगमन विधि वो होती है जिसमें पहले रूल बताता है फिर उदाहरण बताता है। दोनों एक दूसरे का विपरीत है। नहीं पता है, नोट डाउन कर लीजिए। हर सेमेस्टर में से आपको टॉपिक से बनाने प्रश्न देखने को मिलेगा। आगमन विधि वो होती है जिसमें उदाहरण बताया जाता है फिर रूल बताया जाता है। निगमन विधि वो होती है जिसमें पहले रूल बताया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है? मूर्त से अमूर्त ए ऑप्शन, सरल से जटिल की ओर बी ऑप्शन, ज्ञात से अज्ञात सी ऑप्शन, विशिष्ट विश्लेषण से संश्लेषण सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पूर्ण से अंश की ओर, पूरे पूर्ण से कंप्लीट से छोटे छोटे खंड की ओर, तो यहाँ पर आपको क्या सही लग रहा है? एक ऑप्शन ही यहाँ पर बेस्ट है। क्या सही है बता सकते हैं? आंसर करिए। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? टू इट कम ऑन फर्स्ट। चलो तो ये सही है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले पूरा विश्लेषण देख लो, फिर एक एक चीज़ को सिंथेसिस करो, छोटी छोटी बारीकियों को देखो, उस पर गौर फरमाओ, उसको जान, तो कहीं ना कहीं पूर्ण से अंश की ओर उसके साथ मेल खाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र के द्वारा दिया जाता है? विश्लेषण से संश्लेषण, संश्लेषण से विश्लेषण, सरल से कठिन, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक को सेंटर मान लो, जो बच्चा कहे उसके अकॉर्डिंग बताओ, उसके अकॉर्डिंग सिखाओ। बच्चे के, एक बच्चे के नहीं, सभी बच्चों की जिसमें सहमति रहे आप उसके अकॉर्डिंग सिखाओ, बताओ। तो ये किस सूत्र से है या क्या इसमें फॉलो होगा बताइए? किसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग ये कार्य कर रहा है? तो एक ही ऑप्शन मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक उचित है, बेस्ट है, परफेक्ट है, सॉलिड है, वो है सी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर। ठीक है, क्योंकि बच्चे के तर्क वितर्क चाहिए पहले नहीं है, पहले उनको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल की जो छोटी छोटी चीज़ें वो बतानी होंगी, फिर कहीं जाके आगे उनको तर्क में फंसाना होगा। आगे चलिए। सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था। 22, 51, 27, 38 ये डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में आप जाएंगे पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। अब यहाँ पर है तो देख लेते हैं फिलहाल, लेकिन ये डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में एजुकेशन पेपर वन का पेपर है, क्वेश्चन है, यही है आउट ऑफ सिलेबस। इसीलिए मैं सीरीज़ का समर्थन नहीं करती। सिर्फ की शुरुआत में मैं आप जो कहते हैं मैम सीरीज़ ले ले काम बन जाएगा, मैम सीरीज़ ले ले काम, मैम क्या बताएं बताइए? अगर नहीं बना आपकी बैक लग गई तो आप मेरे ऊपर बिल फोड़ेंगे कि मैम आपने ही कहा सीरीज़ ले लो पास हो जाओगे। हम नहीं कहते, इसीलिए कभी नहीं, मैंने कहा बुक लो, बुक लो, नोट्स लिखो, वीडियो से देख के नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स खरीदो, उसको लिखो, कुछ ना कुछ होना, हमेशा नहीं बोला कि उसको करो, लेकिन कुछ ज़रूर होना चाहिए, एक भी सिंगल चीज़ कुछ होनी चाहिए बस, बाकी फिर सीरीज में कलर। ये आप बताओ, ये सेकंड का है, मैंने भी नहीं पढ़ाया है, क्या ही करोगे वहाँ पर, इस तरह आ जाएगा तो ध्यान रखना, ये है 27। क्या है? 27। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, मूक यानी कि चुपचाप, सक्रिय, खूब एक्टिव, निष्क्रिय, कुछ नहीं करना, इनमें से कोई नहीं, बताइए। अच्छा प्रश्न है, बताइए। जब व्याख्यान होता है, एक्सप्लेनेशन जिसको कहते हैं, एक्सप्लेन हो रहा है, कथा सुनाई जा रही है, सत्यनारायण की कथा चल रही है, कथा पे कथा, नई नई जो भी चीज़ें हैं, ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा पता है? जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, अब कोई कृष्ण भगवान जी के कथावाचक आते हैं, कथा कहते हैं, तो लोग सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं बस ना, तो यहाँ पर निष्क्रिय होता है यही चीज़, ठीक है। कथा थोड़ी तो गाना गाना भजन होता है तो अच्छा भी लगता है, ठीक है, हम उन्हीं चीज़ को रिपीट करते हैं, झोर ढेर सारे लोग रहते हैं, इतना सुनाई डिस्टरबेंस नहीं, लेकिन क्लास में ऐसे कुछ हो रहा है और आप, टीचर बोलेगा राम, आप भी कहोगे राम, टीचर बोलेगा राम जाता है, आप भी कहोगे राम जाता है, जब वो कहे बोलो तब तो ठीक है, ना कहे आप बोलो तो डिस्टर्बेंस होगी। तो व्याख्यान विधि में छात्र जो होते हैं ना, वो इनएक्टिव होते हैं, ना उनको कुछ करना होता है, ना बताना होता है, बस सुनना सुनना होता है,
तो बच्चे उसमें थोड़ा कम सीखते हैं। आगे आइए 32, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, उपयुक्तता, क्रमता, भाषा, उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण का मतलब है कि कोई दिक्कत है या कोई टॉपिक है उसको क्लियर नहीं है, उस पर डाउट है, तो पूरा स्पष्टीकरण करो, पूरा क्लियर करो, डाउट को दूर करो। तो आपको अभी तक क्या सही लग रहा है, 32 में क्या परफेक्ट है, क्या उचित है, एकदम सही तरीके से है? तो यहाँ पर विशेषता के रूप में स्पष्टीकरण युक्तता का कोई, उपयुक्तता का कोई मतलब नहीं, भाषा भी कुछ खास नहीं, क्रमता का कोई मतलब नहीं है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। हाँ, कोई युक्ति की विशेषता नहीं कहलाएगी ये। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है, सामाजिक का अध्ययन रहेगा तो, विज्ञान रहेगा तो, गणित रहेगा तो, हिंदी रहेगा तो। आप जो स्पष्टीकरण युक्ति डिवाइस का प्रयोग कर रहे हो वो स्पष्टीकरण कहाँ करोगे, कहाँ जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, तो वो सामाजिक होता है, हमें समाज में अपना अपनी बात को समाज में रखना पड़ता है, अपने पक्ष को समाज में रखना पड़ता है। ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर हमको बात को एज अ प्रूफ के तौर पर कभी दिखाना पड़ता है कि ये हमने नहीं किया या हमने नहीं कहा, हमें सामाजिक स्तर पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्लियर, 5 प्रश्न अभी तक हमने किया, 5 से ज़्यादा नहीं किया, नहीं कर लिया 8 प्रश्न कर लिया, 26 से चले थे, ठीक है, 7-8 प्रश्न कर लिया, हो गए, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो पहले आप लाइक कर दो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट, कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। कल तो वैसे भी आप लोग के फास्ट रहने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, कल कोशिश रहेगी कि हम लाइव भी मिले रात वाली क्लास में, यही मेरा एक शेड्यूल है, देखते हैं। वैसे शाम वाली ही क्लास में मेरा प्लान है कि मैं आपको मिलूं, चाहे मैं 4 बजे भी मिल सकती हूँ या मैं 9 बजे वाली में भी मिल सकती हूँ, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर पाऊँगी, मुझे जब टाइम मिल जाएगा। मैं दोनों में से कोशिश है कि एक क्लास में आपको लाइव में मिलती हूँ। कल अच्छा दिन है, शुरुआत अच्छी होगी, भगवान करे बढ़िया हो, जल्दी से आप लोग की डेट भी आए, आप लोग तैयारी में लगे, अच्छा पेपर दें, सब कुछ बढ़िया हो, कि नया त्यौहार है, अच्छी खुशियाँ हैं, ठीक है। चलिए, लाइक कर लिया कि नहीं कर लिया, आई होप सो कर लिया होगा सभी ने। आइए 34 में आइए, भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति क्या है, पर्यटन युक्ति सबसे अच्छी, कहानी, वर्णन, स्पष्टीकरण। भाषा का जो शिक्षण है, भाषा का जो है उसके बारे में आप कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका या सबसे सही क्या है, वही आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इसका उचित आंसर बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ें और भी चीज़ों को देखें, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है भाषा के लिए। तो सबसे बेस्ट होता है फ्रेंड्स क्या है, कहानी, क्योंकि बच्चों को ना कोई भाषा सिखानी है तो संस्कृत में अगर कहानी सुनाएंगे ना, तो अगर तो उनको कहानी के मज़े लेने के लिए संस्कृत धीरे धीरे करके आने लगेगी। हम जैसे नॉवल पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अगर पढ़ते होंगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो पढ़ेंगे, अगर आपको इंग्लिश आती ही पढ़ना तो आपको एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं आएगी, लेकिन आप पूरी नॉवल पढ़ लोगे तो आपको अंत तक होता समझ में आ जाएगा कि इस नॉवल में क्या था, तो वो कहानी को मज़ा आ रहा है उस नॉवल में, तो कहानी इंग्लिश में है पढ़ रहा, तो इंग्लिश की भाषा तो सीख रहे हो, इंग्लिश के वर्ड तो पढ़ रहे हो, तो किसी भी भाषा शिक्षण को अगर सिखाना है तो सबसे बढ़िया तरीका कहानी की तरह सिखाओ, क्योंकि बच्चे कहानी की तरह अच्छी अच्छी पोएम सीख लेते हैं, कहानी भी सीख लेते हैं और हिंदी की भाषा भी आ जाती है। आगे चलिए, नेक्स्ट है, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। जी हाँ, पर्यटन वही घुमाने वाली विधि, तो क्या उस विधि का प्रयोग करके बच्चों में डेवलपमेंट होता है, कैसा, मनोरंजन होता है, बौद्धिक चीज़ें देखने को मिलती है, निरीक्षण या अवलोकन होता है, समय का सदुपयोग होता है। 35 में क्या सही होगा, फिलहाल तो सही सभी है, लेकिन क्या इसमें से बेस्ट है, हमको तो बेस्ट लेना है, ठीक है, हमको तो बेस्ट लेना है, एकदम ऊपर वाली क्रीम चाहिए, तो क्या ही, क्या इसके लिए सुटेबल परफेक्ट है, क्या बताएंगे, अपनी काउंटिंग भी कॉन्टिन्यूस रखिएगा कितना आप सही कर ले रहे हैं, ठीक है। तो पर्यटन विधि मैंने पढ़ाई है, बताया है, बहुत बढ़िया बताया, तो यहाँ पर क्या होता है, निरीक्षण और अवलोकन बेस्ट है। जब कभी हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हमें चीज़ों को जाँचते हैं, हर एक चीज़ को देखते हैं ध्यान से, अच्छा यहाँ पर ये है, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ये कभी हुआ था ऐसा कभी, तो वो एक दूसरा जो है जेस्चर रहता है मन में, जाएंगे, देखें, खुशी रहती है वहाँ पर, हर चीज़ खुद से जाकर देखने की, छूने की इच्छा रहती है, चाहे कोई पत्थर हो, मूर्ति हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, तो वो यहाँ पर निरीक्षण और अवलोकन विधि में होता है। तो 35 में आपका सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट, सस्ता, टिकाऊ, सॉलिड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अच्छी युक्ति क्या है, ज्योग्राफी पढ़ाना सबसे बेस्ट क्या है, घुमा दो उनको, पर्यटन करवा दो, प्रदर्शन करा दो, दिखा दो, कहानी के द्वारा सुना दो, या कथोपथन कह, कथा टाइप का कह के सुना दो, तो ज्योग्राफी के लिए आप बेस्ट क्या कहोगे, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या उचित है, आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि ज्योग्राफी पढ़ाना है तो घुमाओ, गोल गोल चक्कर उनको घुमाओ, पृथ्वी के कोने कोने की बातों तक बताओ, बातें भी कुछ बताओ और वहाँ तक ले जाने का प्रयास करो, चाहे डायरेक्टली ले जाओ या वर्चुअली ले जाओ, लेकिन उनको घुमाओ, उनको दिखाओ,
तो वो चीज़ उनके दिमाग में बिना पढ़ाए अपने आप आ जाए, क्योंकि उसमें मज़ा आता है घूमने में, किसको मज़ा नहीं आता। ठीक है, अब मुझे भी घूमना बहुत पसंद है अलग। पहले तो मंदिर जाना बहुत पसंद है, हर जगह कोशिश मेरी यही रहती है, लोग बहुत जगह, मेरा ये रहता है कि पहले मैं हर जगह के मंदिर घूम लूँ, मेरा ये ऐसा रहता है। ठीक है, क्योंकि उनकी कृपा रहेगी तो हम हर जगह घूम लेंगे। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर हो गया 36। 37 पे आओ, स्कूल ट्रिप सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? जो घूमने जाते हैं किस शिक्षा शास्त्री सबसे पहले सोचा या ले आया? रेमंड ने, प्लूटो ने, रॉय ने और पी एन रॉय ने। 37 बता सकते हैं स्कूल ट्रिप का सबसे बढ़िया या क्या है? तो ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है फिलहाल के लिए, धीरे सेकेंड सेमेस्टर में है और पीए प्रोफेसर रॉय इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम नहीं कहेंगे, इम्पॉर्टेंट है दिया है सीरीज में तो पढ़ लेंगे। 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध किया गया था, रिसर्च किया गया, किसने किया? एलन ने, ट्यूबी ने, डॉक्टर पीसी मिश्रा ने, हर्बर्ट ने। ये प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान से रखना होगा, ये सारी चीज़ें सेकंड में हैं, सेकंड में आपको देखने को मिलेंगी, आपके सिलेबस में फ़िलहाल थोड़ा सा कम ही है क्योंकि ऐसी बातें मेंशन नहीं की गई हैं। डॉक्टर एलन का राइट आंसर है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए, अब दिया है तो देख लेंगे। पर्यटन सबसे अधिक सहायक किस में होता है? भाषा शिक्षण में, गणित में, भूगोल में, संगीत में? तो शायद हमने अभी इस प्रश्न को ऊपर ही चर्चा किया और बातें की, देखा तो भूगोल में सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए यही सेम प्रश्न था, उत्तर एक का, एक बार ये देकर ये नाम पूछा, एक बार ये देकर ये नाम पूछा, तो ये लोग क्या करते हैं उसे क्वेश्चन की हेर फेर कर देते हैं, क्वेश्चन में उल्टा पलटी कर देते हैं। ठीक है, आगे आइए। चलिए फिर 40 प्रश्न है, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक कर रहे वही खेल है, किसका कथन है? म्यूलिक का, रैबन का, थॉमसन का, क्लर्क का? कथन वाले प्रश्न ध्यान रखने हैं, ये बहुत सारे हैं, बिल्कुल मेंशन नहीं भूलना है, कोई भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है म्यूलिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिलहाल आएगा नहीं ध्यान रखना, जो बहुत फेमस होते हैं वो आते हैं, मैं एक दिन लिख के करवा दूंगी। खेल विधि के लिए आवश्यक क्या है? स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास और उपरोक्त सभी। खेलना प्ले वे मेथड कहलाता है, बताइए क्या होगा? खेल विधि के लिए क्या आवश्यक है, क्या बेस्ट है? तो राइट आंसर यहाँ पर बताना चाहती हूँ उपरोक्त सभी। फ्रीडम बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिविटी, कुछ क्राफ्ट बनाना, वेस्ट से बेस्ट चीज़ें बनाना, मानसिक शक्तियों का विकास, मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, जो कि अरस्तु का कथन है। तो ध्यान रखना, हेल्दी चीज़ें खाना है, सैलड्स खाना है, फाइबर्स खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 42। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? छात्रों में क्रियाशीलता के आंदोलन की शुरुआत किसने की? रूसो ने, फ्रोबेल ने, कैल्पेट्रिक ने, मॉन्टेसरी ने? चलिए बताइए 42, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो रूसो ने किया। ठीक है, ये भी डीएड सेकंड सेमेस्टर का है, यही सीरीज में यही एक दिक्कत देखने को मिली, सेकंड की चीज़ें क्यों दे देते हैं, इनको प्रश्न नहीं मिलता है तो कुछ भी डाल देते हैं उसके अंदर, सब सेकंड में है। चलो, समूह चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियाँ बताइए। विचार समिति, विचार गोष्ठी, सम्मेलन, उपरोक्त सभी। समूह सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय विधियाँ क्या हैं, बताइए 43। इसमें सामूहिक चर्चा मतलब कोई बड़ा विषय है, चर्चा हो रही है, कई सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं, छोटे बड़े सब उम्र के हैं फिलहाल, या फिर उच्च स्तरीय लिखा है तो बड़े लेवल की बात है, तो इसमें विचार गोष्ठी, विचार समिति, सम्मेलन सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। हम 43 तक पहुँच चुके हैं, आई होप सो आपको भी इंजॉय आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है, प्रश्नों के दौरान भी बहुत कुछ देखते हैं, अब कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा ये पता नहीं रहता है, बट ये है कि इसी में से मिलता जुलता देखने को मिल जाता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम खुद ही बोलते रहे, इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लो। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट 44 पे आइए। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है, किससे रिलेटेड है? अध्यापक से है, मॉनिटर से है, प्रधानाचार्य से, उपरोक्त से? बहुश्रेणी शिक्षण विधि ये किससे इंटरकनेक्टेड है, अब आप बताइए राइट आंसर क्या होगा, आपको राइट आंसर बता सकते हैं? गलत तो मैं अलाउ नहीं करूँगी, सही ही बताना पड़ेगा। चलिए बताइए, मैं बता देती हूँ मॉनिटर से। ठीक है, बहुश्रेणी शिक्षण विधि है जहाँ पर बहुत सारे मतलब अलग अलग बच्चे एक साथ बैठा दिए तो फिर एक मॉनिटर बना दिया जाता है जहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, कौन जा रहा है वो होता है, क्योंकि जब टीचर अपसेट हो जाता है तब ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। कंबाइंड क्लास याद है कि नहीं, किया होगा ज़रूर। प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सक से संबंधित है, मतलब डॉक्टरी से संबंधित है? प्रयोग, क्रियात्मक, आगमन, अवलोकन? आंसर बताइए, चिकित्सा संबंधित कौन सी विधि है जो उस सेक्टर में लागू होगी? प्राचीन काल में कौन सी विधि है जो अवलोकन और आगमन, क्रियात्मक, प्रयोग? तो फ्रेंड्स, जो बेस्ट है वो अवलोकन है, पता है क्यों? क्योंकि जैसे एक्सपीरियंस टेस्ट होता है,
पहले जानवरों पर करते हैं, फिर किसी और पर करते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, परीक्षण होते हैं, तो वो अवलोकन विधि से ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार टेस्ट लो गया, ये डोज किसी को लग गई, उसके बाद उसका रिजल्ट देखा गया, फिर कई तरीके से आजमाया गया, तब और जगह किया गया, तो अवलोकन जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। प्रश्न, आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रियाओं की कुंजी किसने कहा है? पार्कर ने, क्लर्क ने, लैंडन ने, फ्रॉबेल ने? कथन के प्रश्न काफ़ी हाई लेवल के बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो भी दिया है देख लेंगे, एक बार गौर फरमा लेंगे। 46 में क्या होगा? राइट आंसर है पार्कर। ठीक है, पार्कर। हो सकता है कि सीरीज़ में इन सबके बहुत सारे आंसर्स भी बहुत सारे प्रश्नों के आपको देखने में मिलते जुलते गलत भी मिले, तो कन्फ्यूज़न होती है बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग ध्यान से ज़्यादा देखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि से किसका संबंध है? अनुसंधान का, अन्वेषण का, तर्क का, उपरोक्त सभी। प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस की फायरिंग हो रही है, उधर से एक क्वेश्चन तो इधर से एक क्वेश्चन, इधर से एक क्वेश्चन उधर से एक क्वेश्चन, तो इसका संबंध किससे? अन्वेषण से, मतलब जाँच वगैरह। अन्वेषण का मतलब खोज होता है, तर्क वितर्क है, अब क्वेश्चन है तो तर्क वितर्क तो होना एकदम लाजमी है। अनुसंधान से संबंध कहीं इंस्टीट्यूट है या कोई ग्रुप है, मेम्बर कहीं हो ही रहा है, तो उपरोक्त सभी जो है वो बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें हाँ नहीं का सिर्फ जवाब देना होता है, वो कैसे प्रश्न होते हैं? बोध वाले, अनुचित अनुचित वाले, अनुचित प्रश्न, स्मृत्यात्मक और प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, जिसमें हमें सिर्फ हाँ नहीं का उत्तर देना होता है, वो किस टाइप के प्रश्न होते हैं बताइए? किस टाइप के लगते रहते हैं, वो किस टाइप के हैं, क्या उसमें चीज़ें आपको समझ में आती हैं? तो फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो अनुचित प्रश्न, उचित अनुचित वाले। क्या उचित है तो हाँ, अनुचित है तो नहीं। बहुश्रेणी शिक्षण स्तर से संबंधित है, बहुश्रेणी से क्या संबंधित है? प्राथमिक स्तर से है, माध्यमिक, उत्तरोत्तर, उच्चतर और उपरोक्त सभी। तो बहुशिक्षण से आप क्या समझ रहे हो? बहुशिक्षण विधि से, बहुशिक्षण विधि स्तर से क्या, बहुश्रेणी, यहाँ पर बताइए क्या होगा? बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से, तो बहुश्रेणी का मतलब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? उपरोक्त सभी डी ऑप्शन होगा, बहुश्रेणी में तीनों स्तर आ जाएंगे। ठीक है, अब तीनों स्तर इसमें आ जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि बहुश्रेणी में बहुत सारे, प्राथमिक का स्तर अलग है, माध्यमिक का अलग है, उच्चतर का अलग है, तीनों को लेकर जब कोई चीज़ की जा रही है तो वो बहुश्रेणी में आएगी, जैसे बहुकक्षा होती है उसी तरीके से। निदानात्मक प्रशिक्षण का अर्थ क्या है? बालक की त्रुटि कमजोरी का पता लगाना, बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, समस्या को दूर करना, समस्या का प्रयोग करना। निदानात्मक परीक्षण का उपचारात्मक और निदानात्मक शब्द तो आपने सुना ही होगा, तो इसमें से चारों में से कौन सा सही लग रहा है, आपको क्या बेस्ट लग रहा है? निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन सुटेबल है, परफेक्ट है, उचित है, वो है बालकों की त्रुटि और उनकी कमजोरी का पता लगाना। जब हम उनको उपचार बता दें कि ये दिक्कत है, फिर ये चीज़ दवा खा लो या कर लो, तो वो उपचारात्मक हो जाता है। अभी तो हम जब पता लगा रहे हैं तो वो निरीक्षण में निदानात्मक में आता है। ठीक है, ध्यान रखना, उपचारात्मक और निदानात्मक में कन्फ्यूज़ नहीं होना। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? प्रेरणा देने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। निदानात्मक परीक्षण का आखिर यूज़ क्यों किया जा रहा है और सभी स्तरों में लागू होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राथमिक में ही हो। तो फ्रेंड्स, जो राइट आंसर है वो कमजोरियों को दूर करने के लिए। ठीक है, क्या होगा? कमजोरियों को दूर करने के, जो वीकनेस है उनको जानना, उनको दूर करने के। तभी तो आप जानोगे पहले, तभी तो उसको उपचार बताओगे। अब कैंसर किसी को हुआ है तो आप उसको पोलियो की ड्रॉप 3 पीने को देंगे? नहीं देंगे ना। तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब क्या होता है? जब बच्चे को सेंटर में रखकर उसकी सारी बातों को पूछा जाता है, जो वो लोग कहते हैं उनके अकॉर्डिंग चला जाता है, उनके अकॉर्डिंग चैप्टर करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, हर एक चीज़ की जाती है, जैसे कि मैं भी करती हूँ आप लोग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको क्या सही लग रहा है? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, परफेक्ट है, सॉलिड है, वो है सर्वांगीण विकास, जिसको कहते हैं कि बच्चे का होल डेवलपमेंट, हर एक पहलुओं पर ध्यान रखना, हाथ का, नाक, मुंह, शरीर, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, हर एक पहलुओं पर मद्देनजर ध्यान रखते हुए उनको ज्ञान दिलाना, उनको सिखाना, बुरा क्या है, भला क्या है, पूर्ण क्या है, पाप क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हर एक बातों को बताना और सिखाना, तो ये सर्वांगीण विकास में आ जाता है, जिससे सभी पहलू आ जाते हैं। नेक्स्ट, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि क्या है? क्रियापरक, जिसमें प्रोजेक्ट विधि आती है, खेल विधि आती है, किंडरगार्टन, ये सभी। क्रियापरक का मतलब है कि एक्टिविटी, जिसमें बच्चा खुद एक्टिविटी करके कुछ सीख रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ तोड़ फोड़ रहा है, कुछ चेक कर रहा है, पेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गत्ते से कुछ काट के बना रहा है, वो सब। आंसर करिए 53 में क्या होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, किंडरगार्टन वाला भी उसमें आ जाएगा, खेल वाला भी और प्रोजेक्ट वाला भी। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आज मैंने आपके लिए प्रश्न तो लिए हुए हैं, अभी यहाँ पर इतने प्रश्न और हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कर ले जाएंगे अगर प्रश्न बनेगा तो।
ओके फ्रेंड्स, फिर इतना ही कंटिन्यू करते हैं। 53 का याद रखिएगा, 25 से हमने 53 पर कर लिया है। मैंने आपको 25 से ज़्यादा प्रश्न करवा दिए हैं, 25 प्रश्न का टारगेट रखे, 25 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। 15-15 आते हैं आपको, फिर भी मैंने करवा दी है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से पढ़िए, समझिए, देखिए, टाइम पर आइए। ये क्लास हम यहीं पर करना चाहेंगे ओवर। इसके आगे के जो प्रश्न है वो करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आपकी ये 25 मिनट की क्लास होगी। अब आप लोग अपने लंच वगैरह, मतलब डिनर वगैरह जाइए, करिए अपना, जैसा भी आप लोगों का जो रूटीन है, जैसा भी आप लोग को उचित लगे उस हिसाब से अपनी क्लास को देखिए, सोइए, पढ़िए अच्छे से। ये बस इतना ध्यान रखिए कि जब पढ़िए थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, कि जो पढ़ रहे हैं उस वक्त के लिए आ रहा है, तो 1 घंटे बाद ही मनन करके देखिए क्या वो चीज़ें मुझे याद है, क्योंकि एग्जाम टाइम हमारा थोड़ा सा याद करने की तरफ भी बढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, कल फिर मिलेंगे अपने सेम टाइम में, क्लास को करेंगे, एंजॉय करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।